पंचायत समिति हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक में 14वें वित्त आयोग के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 3,58,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही मनरेगा के कार्यों के लिए भी 11,46,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। पांचवा राज्य वित्त आयोग 2017-18 के लिए 12,83,283 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर के BDO सभागार में बैठक का आयोजन अध्यक्ष सोनी कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इसमें पंचायत इंस्पेक्टर विशेष रूप से मौजूद रहे। पंचायत समिति की बैठक में समिति के आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। विभिन्न वार्डों के सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को भी विस्तार से बैठक में रखा। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि कई पंचायतों में BDC सदस्यों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। वहीं BDC सदस्यों द्वारा किए वादों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा लाइट लगाने का भी अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। BDC अध्यक्ष सोनी कुमार ने बताया कि वर्ष 2018-19 के तहत कुछ लाइटें नहीं आई हैं, जबकि 19-20 के तहत जो लाइटें आनी हैं उनके लिए समय लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हमीरपुर खंड में 2396 किसानों ने फॉर्म भर दिए गए हैं। पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी पंचायत समिति के जो भी खर्चे थे उनका ब्यौरा स्पष्ट वो किया गया और मनरेगा का जो भी सल्फ था, मतलब 14वें वित्त आयोग का, वो अप्रूव करके पंचायत जिला परिषद को भेजा गया। पंचायतों के पास जो भी पैसा पंचायत समिति का गया हुआ था उसमें से कुछ खर्च हो गया, बाकी पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पंचायत समिति के सारे सदस्य उपस्थित हुए थे। विभिन्न विभागों से अधिकारी व कर्मचारीगण आए हुए थे। इस बैठक में अपना जो भी एजेंडा था, मतलब उसमें मनरेगा का जो सल्फ था अप्रूव करके जिला परिषद को भेजा गया और इसका बजट जो था, कुल बजट 1.44 करोड़ था, जो इसमें से अभी खर्च जो हुआ है 3.58 करोड़ खर्च किया गया है। और जो भी पंचायत समिति का पैसा पंचायतों को गया हुआ है उसमें से मतलब 17-18 में 12,14,349 रुपये भेजे थे, जिसमें से करीब मतलब 9.5-10 लाख रुपया खर्च किया गया पंचायतों से। और 18-19 में जो भी है 12,83,283 रुपये भेजे गए थे पंचायतों को, उसमें से भी अभी आधा पैसा, मतलब जैसे 5.5-6 लाख रुपया खर्च किया गया पंचायत प्रधानों से। तो मेरा पंचायत प्रधानों से अनुरोध है कि जो भी पैसा पंचायत समिति सदस्यों ने आपको दिया है उसका जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बना के उसको खर्च करने का वो करें, कि इस पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च करने का प्रयास करें। और मैं आशा करता हूं कि इस पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च करेंगे। पैसा होता है बजट में, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि पंचायत प्रधान और जो भी हमारे पंचायत समिति मेंबर हैं उनकी आपस में कई बार टकराव होता है, तो मतलब आपस में उस चीज़ को छोड़ के अपने गांव के विकास के लिए उसका योगदान दें और अपना मतभेद भूल के इस मतलब जो भी पैसा आता है उसको खर्च करने की कृपा करें। तालमेल की कमी है जी सर, हो सकती है कई पंचायतों में, मतलब है सभी पंचायतों में नहीं है, कुछ पंचायतों में इस तालमेल की कमी जरूर है, क्योंकि अगर तालमेल से काम नहीं करेंगे तो नेचुरली मतलब पैसा डंप रहेगा। पार्टी ऐसे ज़्यादातर ऐसे जो कांग्रेस है, BJP है, प्रधान कई जगह तो ऐसा भी है कि मतलब जैसे कोई BJP से है, कोई कांग्रेस से है, मतलब पहले अपना गांव है, ठीक है, पार्टी बाद में है, जो क्योंकि छोटे लेवल का, जैसे जो भी पंचायत तो प्रतिनिधि चुने हैं पंचायतों से, वो पार्टी बाद में होती है, पहले अपना गांव का विकास आता है। इस अवसर पर पंचायतों में चलाए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। बैठक में समिति सदस्य अश्विनी कुमार, सुरेश कुमार, सतपाल, लीला देवी, निर्मला देवी, सरोज कुमारी, पारुल कपिल, कृष्ण चंद, बलदेव सिंह और अशोक कुमार मौजूद रहे।